अस्सलाम वालेकुम। तो ये बेसिकली हमारी लास्ट वीडियो है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन की, जिसमें हम अपने एस मिनी प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें डिलीट की फंक्शनलिटी भी लगाएंगे, लेकिन अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट में हम डिलीट की फंक्शनलिटी कवर नहीं करेंगे। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि जब डिलीट की फंक्शनलिटी लगाते हैं तो उस पर पर्सनली मैं जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करता हूँ, और जावास्क्रिप्ट जो है अभी तक मैंने आपको कुछ भी मतलब कि इतनी डिटेल में नहीं करा है। सिर्फ लोकेशन डॉट असाइन हमने उसमें देखा हुआ है, और उसके अलावा हमने कुछ भी जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इवेंट्स के अंदर लेके जाऊँगा तो वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप ऐसे करेंगे कि इसको इस टाइम ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कलर शलर दे के, कुछ इस तरह से लुक दे के हम इसको आज वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह हम जो है अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट करने के बाद फिर जावास्क्रिप्ट की डिटेल्स में हम फर्दर मूव करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको जो है वो वाइंड अप करने के लिए ये डिज़ाइन हम बना लेते हैं। और करंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ही एक बिगनर्स की तरह है, थोड़ा सा इसको इसकी कोडिंग को शेप देते हैं ताकि एक प्रोफेशनल ये काम हमारा लग सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेशन लगा हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद रिक्वायर कॉन्फ़िग हो रही है, ये भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन दे रहा हूँ ताकि बेसिक एचटीएमएल का कोड हमारे पास आ जाए। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं इसका, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, और इसकी स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं इधर डैशबोर्ड, ऐसे ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ अपनी सी एस एस की फाइल, लिंक सी एस एस, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ css/login.css। सी एस एस के फोल्डर में हमने लॉगिन की जो सी एस एस फाइल बनाई हुई थी, इसी को ही, इसी पे ही हम बेसिकली काम करेंगे। तो वो आज हम देखते हैं कैसे। और यहाँ पे अब बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे करनी है, एक हेडर मुझे यहाँ पे बनाना है। और हेडर बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर से लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने किया रिक्वायर _1 हेडर .php। ठीक है, अब हेडर .php नाम से कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बल्कि एक फोल्डर ही बना लेता हूँ मैं लेफ्ट साइड से, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ INC, विच मीन्स इंक्लूड। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ से, न्यू फाइल, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ हेडर .php। और यहाँ पे जो हमारा हेडर बना हुआ है, बेसिकली हेडर की जो कोडिंग लिखी हुई है, जिसमें ये आपका H1 आ रहा है, वेलकम आ रहा है, और उसके बाद ये वाली चीज़ नहीं, यहाँ तक इसको मैंने यहाँ से कट किया, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ हेडर के अंदर इस जगह पे, ठीक हो गया जी। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हेडर .php फाइल है इसको हम यहाँ पे करते हैं INC/header.php। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कि इस टाइम पे हमारा जो कोड है वो बिल्कुल अजीबोगरीब हो गया, और ये बैकग्राउंड कलर इसका इसलिए रिमूव हुआ है कि हमने जो है इसके अंदर login.css की फाइल लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये कलर चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले login.css में हम आ गए, यहाँ पे मैं क्लास बना रखता हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ हेडर बॉडी, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ जो कि हमने पिछले लॉगिन में देखा था, और वो सेम वो कलर हैश आएगा यहाँ पे आपका, दैट्स इट। और इस क्लास को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके, डैशबोर्ड के अंदर ये जो बॉडी है यहाँ पे हम इसको क्लास में ये लगा देते हैं ऐसे। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इसका देखिए अब कलर चेंज हो गया है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो ये है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉडी पूरी का जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंड हो जाए, ताकि ये जो आपका लेफ्ट अलाइंड आ रहा था वो सेंटर हो गया, ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे मैं हेडर को डिज़ाइन कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए ये बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट करते हैं इसका, ये आई थिंक ब्लैक है, नहीं यही कलर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसको पैडिंग हम दे देते हैं 0.5% टॉप एंड बॉटम से, और 0% लेफ्ट एंड राइट से। तो इसको अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये परफेक्टली इस तरह से आपके पास आ चुका है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब अगर मैं ऐड न्यू टास्क पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेम चीज आ रही है। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले पहले फाइनल डैशबोर्ड को फाइनल कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं नेव लगा देता हूँ और नेव के अंदर ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है इसको मैंने कट किया और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे आऊँ तो आप देखिए कि कुछ भी इसमें फर्क नहीं आया। और उसके बाद नेव के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं और उस डिव के अंदर ये जितना भी हमारा रिमेनिंग कोड है, फॉर्म वगैरह बने हुए हैं और रिमेनिंग कोड है, उस सारे को हम कॉपी करते हैं टेबल तक और इसको हम रख देते हैं इस डिव के अंदर, ताकि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी इस पे स्टाइल लगाना है तो आप इस डिव के थ्रू इजीली इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये इस सारे को मैं कर देता हूँ प्रॉपर इंडेंट ऐसे और फिर इसको मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया ये आपका। और इन द एंड जो आपका सेंटर लगा हुआ है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये सिंपल सा हमारा काम हो गया। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हम एक हेडिंग भी लगा दें कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो जो टेबल हमारा लगा हुआ है वहाँ पे हम लिख देते हैं व्यू टास्क, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 या H3 के अंदर व्यू टास्क। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये आपकी जो डिव बनी हुई है इसको मैं नाम दे रहा हूँ लास्ट बॉडी दे देते हैं इसको। और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं बॉडी के नाम से और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं सेंटर, कुछ इस तरह से देखते हैं कि क्या ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। और दूसरा इसकी मैं विड्थ लगा देता हूँ 100%, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि डैशबोर्ड पे आ गए, क्योंकि एक चीज़ को करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंटर ही इसको कर देता हूँ ताकि ये इजीली हमारा काम हो जाए। तो कोडिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी अप्रोच हमें इस्तेमाल करनी है जिसमें थोड़ा कोड लिखने से हमारा ज़्यादा काम हो। तो ये परफेक्टली आपका सेंटर अलाइंड हो गया है और व्यू टास्क की भी ये हेडिंग आ गई है और नीचे आपके टास्क आ चुके हैं। अब सेम चीज मुझे करनी है एड न्यू टास्क के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि जो एड न्यू टास्क वाला आपका पेज है उस पर आप आ गए और यहाँ पे आप सिंपली एक काम करें, एक्सक्लेमेटरी की आपने साइन दी, ये बन गया आपका। और इस पे हम लिख देते हैं एड न्यू टास्क और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन और फिर यहाँ पे भी मुझे सीएसएस की फाइल लगानी होगी और यहाँ पे हम लिख देते हैं css /login.css और फिर हेडर जो हमने वहाँ पे बनाया था वो सेम कोड पे या वहाँ से कॉपी करके हेडर प्लस नेव दोनों को इसको मैंने कॉपी किया, एड न्यू टास्क के अंदर हमने इसको रख दिया इस तरह से। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, सेम ये चीज़ आ रही है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे बॉडी लगाने के बाद सीएसएस की फाइल भी हमने लगा दी है, हेडर भी हमारा आ गया है, लेकिन इसमें इश्यू ये आ रहा है कि हमारा हेडर उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा। अच्छा वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर हमने क्लास नहीं लगाई ये वाली हेडर बॉडी की। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया, ये आपका यहाँ पे आ गया। वैसे इसका नाम हेडर बॉडी नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए डैशबोर्ड बॉडी। हेडर बॉडी से कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रही हमें, तो इसको मैं यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड बॉडी और यहाँ पे भी आके हम इसको डैशबोर्ड बॉडी करते हैं, फिट हो गया। और एड न्यू टास्क में आपके पास ये चीज जो है वो आ चुकी है। अब टू डू लिस्ट एप्लीकेशन इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो एड न्यू टास्क में आ जाते हैं वापस और यहाँ पे ये जो चीज़ रिपीट हो रही है आपकी इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ।
और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो ये इतना सा आपका परफेक्टली हो गया है। और अब जो है मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस सारे कोड को रिमेनिंग को मैं सेंटर से लेके इसको मैं रख देता हूँ एक डिव के अंदर ऐसे, और फिर आपका जो सेंटर है वो हम डिव की स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है सीएसएस लगाने का और डिजाइनिंग का। शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेटेड तरीका कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि जब हम बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी काफ़ी इजी हो जाएंगी। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आपका यहाँ पे परफेक्टली यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टिल मैं देख के आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं। आई होप कि इस प्रोजेक्ट में आपकी काफ़ी लर्निंग हुई होगी। तो अगर आपकी इसमें लर्निंग हुई है, कुछ नया अगर आपने सीखा है, तो मैं आपसे सिंपली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ या तमाम उन लोगों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज वगैरह, ताकि वो भी अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और अपना करियर सेट कर सकें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।